previous class we have understood what is potential and potential difference ना towards the end suddenly power cut हो गया था और हम लोग उसको class को जय हिंद वाला नहीं कर पाए. anyway तो आज सारा one liner को याद रखते हैं. हर one liner का why में बताया था, लेकिन आपको last class की पढ़ाई में से क्या क्या चीजें याद रखना है उसको one liner में लिख लेते हैं. हाँ बोलिए, क्या मेरी आवाज नहीं आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रहा है? आ तो रहा है सर. तो हेलो हेलो क्यों कर रहा है बीच में? टेस्टिंग कर रहा है? हाँ सर टेस्टिंग. पागल है, टेस्टिंग कर रहा है? हेलो हेलो, हम सोचिए मेरे को बुला रहा है. टेस्टिंग टेस्टिंग बोलते. चलो ठीक है, यू आर ओके. ये है सब बंदे, मासूर वाले ये हलो हलो कर रहा था. ये ठीक, चलो पहला चीज था पॉइंट नंबर वन जो हम लोग पढ़े वो ये था कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी इज गिवन बाय और डिफाइंड इज व्हाट एवर यू से इज डिफाइंड एज. प्रीवियस क्लास कर चुके हैं डिफाइंड एज. पहला क्या? वार्डन अगेंस्ट ई इन ब्रिंगिंग ए प्लस वन कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पी थ्रू एनी पाथ. सही है कि गलत है? सही है कि गलत है स्टेटमेंट? सही है, बढ़िया. और यू कैन डिफाइन इट लाइक दिस ऑल्सो. मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना चाहूंगा, आपको बाकी मॉडिफिकेशन करना है. आई विल मेक ओनली वन मॉडिफिकेशन, रेस्ट मॉडिफिकेशन आपको करना है. क्या है वो मॉडिफिकेशन? मैं बस अगेंस्ट को भगा के यहां पर बाय लिखूंगा. आप बताओ आप क्या चेंज करोगे? बाय ई इन ब्रिंगिंग और टीनी की जगह मूविंग ए प्लस वन कूलम चार्ज. हाँ कहां से कहां पर? टी टू इंफिनिटी. बहुत बढ़िया, टी टू इंफिनिटी थ्रू एनी पाथ. ये पोटेंशियल देख लिए. दूसरा क्या देखे थे? पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या देखे थे? पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इंटीग्रेशन ऑफ E dot dl, E dot dl infinity to P with minus sign, क्योंकि infinity से P आ रहे हैं तो वार्डन against electric field कहेंगे. और आप चाहो तो कह सकते हो integration of E dot dl P to infinity removing the minus sign. ये हम लोग जानते हैं, ठीक है. next point number two, if w amount of work is done by E in moving plus q coulomb from P to infinity, then क्या कोई बताएगा potential at point P क्या होगा? Q कूलम को मूव करवाने में वर्क हुआ है W, वन कूलम को मूव करवाने में जो वर्क होता है पोटेंशियल. सो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज W बाय Q, इट इज जूल्स पर कूलम, जिसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? वोल्ट. पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी.
स्केलर पड़ी डी, तो पता चल गया ये स्केलर है। बढ़िया। फिर हम लोग देखे वी ए माइनस वी बी इज वर्डन अगेंस्ट ई इन मूविंग प्लस वन कूलम फ्रॉम वी टू ए और वर्डन बाय ई इन मूविंग प्लस वन कूलम। प्रीवियस क्लास देख चुके हैं इसलिए ज्यादा नहीं फैला रहा हूं, खाली आपको वन लाइनर दे रहा हूं। बाय ई इन मूविंग प्लस वन कूलम फ्रॉम ए टू बी ऑल्सो दिस इज गिवन बाय ई डॉट एस ए बी इट इज इक्वल टू ई डॉट एस ए बी मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी कब इन यूनिफॉर्म फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है इट इज ई डॉट एस ए बी वी नो इट। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो हम कैसे निकालेंगे इसको। इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ विल फाइंड आउट। थोड़ा सा जगह बनाता हूं नीचे। इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट। यू विल से इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। आज ये सारे के ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ए टू बी वार्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं, यूनिफॉर्म के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन यूनिफॉर्म के लिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाता है। बढ़िया। फिर हम लोग देखे थे पॉइंट नंबर फोर में E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स आई के और यू कैन राइट इट इन वेक्टर फॉर्म माइनस डी वी बाय डी एक्स वेक्टर वेयर डी वी बाय डी एक्स क्या है इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है भैया। वेक्टर क्वांटिटी वो सिंपल सा चीज है लेकिन अक्सर बच्चे मिस कर जाते हैं, ध्यान रखना। ई डॉट ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जिसको चाहो तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी एक्स आई कैप। जब नीचे डी एक्स है तो आई कैप लिखेंगे, डी वाई है तो जे कैप लिखेंगे, डी जेड है तो के कैप लिखेंगे। नंबर फाइव E is always directed from higher to lower potential. ये भी हम देखे थे, है ना? अच्छा ये जो minus dv by dx क्या था? It was nothing but minus of slope of वर्सेस एक्स डायग्राम। ये था ई का डायरेक्शन कैसा होता है, हरदम फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। सो डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। ऐसा क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज माइनस ई। ये भी समझ में आ गया? ठीक है ठीक है। नेक्स्ट ए पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। एंड ए नेगेटिव चार्ज टेंड्स टू मूव
भी हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास ये सारे चीज देखे हैं। क्यों ऐसे होता है कोई नहीं बता पाया, बट देन यू अंडरस्टैंड कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हायर टू लोअर होता है। तो कोई पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागेगा, और कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स पाता है, सो इट विल ट्राई टू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। बताया था छोटा सा लॉजिक। फिर हम लोग देखे नंबर 7, पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस क्यू कूलम पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अगर ये प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू होता तो लिखते माइनस के क्यू भैया, है कि नहीं? बताओ ये जो पोटेंशियल है कोई क्यू कूलम चार्ज के लिए, क्योंकि ये नहीं बताया था कौन पुनिया नहीं बताया था तो पुनिया के लिए क्वेश्चन, ये क्यू कूलम चार्ज के लिए आर डिस्टेंस में पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। किधर को होता है पुनिया? टूअर्ड्स प्लस क्यू और अवे फ्रॉम प्लस क्यू, अवे फ्रॉम प्लस क्यू। कोई बगल में पुनिया का है तो एक थप्पड़ मारो मेरे तरफ से सुपारी लेके। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। क्यों तुमको पूछ रहा हूं, तुमको मालूम होना चाहिए। आई फाइंड यू आर इनअटेंटिव। सुमित बताओ क्यू कॉलम के लिए आर डिस्टेंस में अगर पोटेंशियल हुआ वी जीरो, सुमित रथो विल टेल ड्यू टू माइनस क्यू कूलम आर डिस्टेंस में पोटेंशियल क्या होगा। क्यू कूलम के लिए आर डिस्टेंस में पोटेंशियल हुआ वी जीरो, माइनस क्यू कूलम चार्ज के लिए आर डिस्टेंस में पोटेंशियल क्या होगा। सुमित रथो जोर से बोलो। अरे कितना होगा क्यू कूलम चार्ज के लिए आर डिस्टेंस में पोटेंशियल इज वी जीरो, तो माइनस क्यू कूलम चार्ज के लिए आर डिस्टेंस में पोटेंशियल कितना होगा भैया? देखो ऑनलाइन में अटेंड करने से काम बन जाता है। बोलो कैन यू टेल मी सर? माइनस वी जीरो। सो नाइस ऑफ यू गोलक, सही बताया। क्योंकि क्यू कूलम के लिए के क्यू बाई आर होता है, माइनस क्यू कूलम के लिए माइनस के क्यू बाई आर होगा। के क्यू बाई आर अगर वी जीरो हुआ तो माइनस के क्यू बाई आर क्या होगा? माइनस वी जीरो। सिंपल सा चीज है। क्या नहीं हो सकता अगर आप सिंसियरली करने की कोशिश करोगे तो। एनीवे तो पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम लोग देख चुके हैं। अगला देखेंगे हम लोग। अच्छा पहले हम ये सारी चीजों के ऊपर यूजेस देख लेते हैं। लेट अस सी सम क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस देखेंगे और हम ही करेंगे, आपको करना नहीं है क्योंकि की लास्ट टाइम पढ़ना भी है। बहुत सारा न्यूमेरिकल हम लोग अभी कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। याद है कि नहीं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर इज इनर्ट, फाइंड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। पोटेंशियल एट दैट पॉइंट बोलिए फटाफट बताना चाहिए क्या होगा आंसर। दिया कि आर डिस्टेंस में इंटेंसिटी है ई जीरो, पोटेंशियल कितना है बताओ? किसके लिए? कोई एक पॉइंट चार्ज के लिए। अच्छा यहाँ पर कोई एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ से आर डिस्टेंस में क्या इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है? हाँ आता है। कितना है? हाँ सर ये क्या बताया आपको, तो सबको आता है, फिर भी बताओ के क्यू बाई आर स्क्वायर। पूछा है पोटेंशियल क्या होगा,
पोटेंशियल तो होता है के क्यू बाय आर, अभी अभी बताया, बट कैन यू नॉट राइट इट एज ई नॉट इनटू आर? यस, द इंटेंसिटी द पोटेंशियल विल बी ई नॉट इनटू आर। छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा, क्या आंसर समझ में आया? यस, लिख लो फटाफट फटाफट लिख लो। थोड़ा सा मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, कुछ लोग धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो लेट मी चेंज द वॉल्यूम आउटपुट। यस, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड VA माइनस VB, एक फिगर दिया हुआ है, यहां पर है चार्ज Q, यहां पर है चार्ज Q और यहां पर है कोई पॉइंट B और यहां पर है कोई पॉइंट A। क्या दिया है? दिया है कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस भी है R और ये डिस्टेंस भी है R। ये सारा डिस्टेंस दिया हुआ है, दिया है ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है। पूछा है VA माइनस VB निकालो, कितना सिंपल है, VA निकालेंगे VB निकालेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। VA निकालते हैं, सॉल्यूशन में VA निकालना है तो लेफ्ट वाला Q के लिए कुछ पोटेंशियल होगा, राइट वाला Q के लिए कुछ पोटेंशियल होगा। अब पुनिया पटेल बताएगा, दोनों पोटेंशियल ए पॉइंट में Q के लिए और ये वाला Q के लिए सेम डायरेक्शन में होंगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में? सर सेम, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी तक दिमाग में गया नहीं कि स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन नहीं होता है, तीन बार हो चुका है इसको हमला, उसके बावजूद ये लोग सीखते नहीं है। ये स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है, Q के लिए होगा के क्यू बाई आर, दूसरे वाले Q के लिए भी KQ by R, जोड़ो तो हो गया ये 2KQ by R। ध्यान रहे हम कान से नहीं सुनते हैं, मन से सुनते हैं। If your mind is not where your hands are, so it is worthless to be here. VB, potential at point B। अब ये जो Q कूलम है इसके लिए कुछ निकलेगा, ये वाला Q कूलम के लिए निकलेगा, ये वाला Q कूलम के लिए होगा के क्यू बाई आर और ये वाले के लिए डिस्टेंस है 3R, सो के क्यू बाई 3R। पूछा है VA माइनस VB, कितना सिंपल है, इसको जोड़ो तो इट इज कमिंग आउट टू बी 4KQ बाई 3R, VA माइनस VB करेंगे तो 2KQ बाई R, 4KQ बाई 3R, सो इट इज 2/3KQ बाई R। हुआ क्या? Yes. कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिट नंबर वन पोटेंशियल इज जीरो, इंटेंसिटी इज नॉट जीरो। बिट नंबर टू, बिट नंबर टू इंटेंसिटी इज जीरो, पोटेंशियल इज नॉट जीरो। थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ भैया, एग्जांपल दो ऐसा कोई एक अरेंजमेंट का, चार्ज अरेंजमेंट का, जहां पर किसी एक पॉइंट में पोटेंशियल जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, दूसरा में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। चलिए सोचिए कौन पहला वाला क्लू देंगे। पहला वाला का आंसर मैं देता हूं सर। हाँ बोलो सर, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड जैसा एक चार्ज पार्टिकल है तो उसके अंदर सर भी इज इक्वल्स टू भी इज नॉट जीरो होगा, भी इज जीरो होगा, ई इज नॉट जीरो होगा। क्लैरिटी नहीं है,
डिपेंड करता हाउ इज द चार्ज. गिव एन एग्जांपल ऑफ टू चार्जेस. दो चार्ज रखें, ये q है, ये क्या है, ये माइनस q है. मिड पॉइंट में p में क्या होगा बताओ. p पॉइंट में क्या पोटेंशियल जीरो है, इसके लिए के क्यू बाई आर, इसके लिए माइनस के क्यू बाई आर, तो पोटेंशियल एट पॉइंट हो गया जीरो. हुआ कि नहीं हुआ. और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एंड माइनस क्यू, सोचे तो क्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम क्यू समथिंग लाइक दिस. माइनस क्यू के लिए वो भी तो इधर को ही होगा क्योंकि प्लस वन कूलम चार्ज रखेंगे, ये क्यू रिपेल करेगा, ये माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा. सो ईपी इज नॉट जीरो. क्या ज्योतिर्मय बता सकती है दूसरे वाले का एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ टू चार्जेस. ज्योतिर्मय ज्योतिर्मयी पिंक पिंक पिंकी हाँ या ना जिज्ञासा. नहीं, ये दोनों चार्ज को देखो ऐसे ही कुछ सोचो कि पी पॉइंट में पोटेंशियल जीरो नहीं होगा लेकिन इंटेंसिटी जीरो होगा. अगर मैं ऐसा ले लिया तो दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लिए प्लस क्यू, क्या पोटेंशियल पी पॉइंट में जीरो होगा, नहीं है, क्योंकि क्यू के लिए कुछ पोटेंशियल होगा, दूसरे वाले क्यू के लिए कुछ पोटेंशियल होगा. हियर आंसर में आपको होगी डीपी इज नॉट जीरो, बट व्हाट अबाउट ई. यहाँ पर कोई प्लस वन कूलम चार्ज रखेंगे तो ये इधर को ढकेल लेगा, ये इधर को ढकेल लेगा, दोनों मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, ईपी इज जीरो. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है. बढ़िया बढ़िया. क्वेश्चन नंबर फोर. इतना सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं कि कोई आपको नहीं पूछेगा. सर क्यों दे रहे, अरे यार तुम लोगों का कब प्रैक्टिस हुआ, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं. ये कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां है चार्ज Q, यहां है चार्ज Q. पूछा है जस्ट मी, यहां है चार्ज 2Q, सॉरी पूछा है व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट A. कितना सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि किसी एग्जाम में नहीं आएगा. फाइंड फाइंड पोटेंशियल 3 KQL 8 A. बढ़िया है. क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, इस Q के लिए कुछ होगा, ये डिस्टेंस L है तो KQ by L, और 2Q के लिए K into 2Q by L. कितना सिंपल है. सो पोटेंशियल एट पॉइंट A इज KQ by L, 2KQ by L, मिलके हो गया 3KQ by L. खुश होने की एकदम जरूरत नहीं है, किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, इतना सिंपल. अच्छा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर. ये क्वेश्चन नंबर फोर था तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया फाइव. ए चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए सेमी सर्कुलर रिंग. सेमी सर्कुलर रिंग है भैया, ऐसा सेमी सर्कुलर है, इसका सेंटर सी में पूछा है पोटेंशियल, और ये रिंग का रेडियस वगैरह दिया हुआ है, रेडियस तो आर है इसका, ठीक है. बोला है कि ये जो रिंग है इसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. कोई पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल हमें निकालना आता है, ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है, फिर भी पूछा है बताओ पोटेंशियल कितना होगा. क्वेश्चन समझ में आया. यस, सोचने वाली चीज है, देखो लड़के का दिमाग कैसे काम कर रहा है.
बोल रहा है के क्यू बाई आर। चलो सोचते आई कैन कंसिडर देर आर चार्जेस एवरीवेयर ऑन दिस सेमी सर्कुलर वायर, हर जगह चार्ज है, हर एक चार्ज के लिए निकाल सकते हैं। यहां पर मान लो कि Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज के लिए कुछ पोटेंशियल यहां पे बनेगा क्योंकि डिस्टेंस r है, तो आप कहोगे पोटेंशियल एट पॉइंट C क्या हो जाएगा कि Q1 by r। लेकिन सिर्फ Q1 नहीं है, Q2 भी है, Q3 भी है, Q4, Q5 सब कोई है। तो Q2 के लिए K Q2 by r, already K Q3 by r, and if you add them all K by r goes common, अंदर आया Q1 plus Q2 plus Q3 and so on। ये सारे को जोड़ो तो क्या होगा, ये सारे चार्जेस को जोड़ देंगे तो होगा Q, so it is equal to KQ by R। क्या बात समझ में आ रहा है, is it understood? Yes sir। Yes, तो धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, कोऑपरेट करना। There are two charged rings, दो ठो है चार्ज रिंग, कैसा है, दो है, एक छोटा रिंग है एक बड़ा रिंग है। आप देखो कि दिया है ये दोनों चार्ज रिंग के केस में इसका रेडियस और इसका रेडियस अलग अलग है। दिया है कि इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है, दोनों ही रिंग पे लैम्ब्डा कूलम पर मीटर का चार्ज है, ठीक है। टू रिंग्स हैव रेडियाई इन रेशियो 2:1, 2:1, बोथ हैव सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी, दोनों का लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर है, सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना, लैम्ब्डा कूलम पर मीटर। फाइंड रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट देयर सेंटर्स। हाँ बोलो बेटा, जोर से बोलो, थोड़ा आवाज नहीं आया। 1:2। हाँ ठीक से ट्राई नहीं किए, ट्राई अगेन। हाँ बोलो, कोई नहीं इधर आंसर। 2:1 अगेन रॉन्ग आंसर, क्योंकि आप लोग हड़बड़ा रहे हो, जल्दी मैं दे दूंगा आंसर, हड़बड़ाओ मत, यू कैन डू इट, डोंट मेक एनी कॉम्पिटिशन विथ एनीवन। 1:1 कौन बोला, हाँ वेरी गुड, दैट इज करेक्ट, 1:1 इज करेक्ट, बढ़िया है। और बाकी लोगों का माथा घूम गया होगा, अरे 1:1 हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा, कैसे होगा, चलो करके देखते हैं दोनों का पोटेंशियल कैसे बराबर होगा, दोनों का पोटेंशियल कैसे बराबर होगा। चलिए ठीक है, चलिए हम पोटेंशियल एट पॉइंट बी निकालते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पोटेंशियल एट पॉइंट बी, क्योंकि आप लोग अभी स्मार्ट हो चुके हैं तो हम लोग सीधे सीधे जंप कर सकते हैं। यहां पर चार्जेस है हर जगह, Q1, Q2, Q3, Q4 हर एक के लिए निकालेंगे, तो लिखेंगे इज के Q1 by R, K Q2 by R, जोड़ो सबको मिल गया K by R, Q1 plus Q2 plus Q3, that is equal to KQ by R। लेकिन Q क्या है, टोटल चार्ज, और what is the total charge here, it is K by R, Q कितना है, what is the total charge, there is lambda coulomb over every meter length, what is the total length of this, 2 pi R, so it is lambda into 2 pi R, क्या ये बात समझ में आया, yes, तो हमने देखा, क्या देखा, R R cancel हो गया, क्या मिल गया आंसर में, you are getting it is 2 pi lambda k, क्या ये r के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करता है, the potential at the center is independent of r, ये r हो या 2r हो या 5r हो क्या फर्क पड़ता है, दोनों केस में बराबर
पोटेंशियल आएगा तो आपको हो गया आंसर क्या हो गया वी ए इज टू वी बी विल बी इक्वल टू वन इज टू वन। क्या सबको समझ में आया? यस सबको समझ में आया? बढ़िया बढ़िया समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले देखेंगे। सपोज हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, कितना है 20 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि ये कोई एक पॉइंट है ए और ये कोई एक दूसरा पॉइंट है बी, और दिया हुआ है क्या कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दिया हुआ है कितना से हियर ए बी इज 10 मीटर, अच्छा, एंड थीटा दिया हुआ है थीटा इज 60 डिग्री, फाइंड वी बी माइनस वी ए। क्लियरली दिख रहा है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला था? सॉल्यूशन सर 100। फॉर्मूला क्या था? वी बी माइनस वी ए वाज ई डॉट एस बी ए वार्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए, और वार्डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। बी टू ए जाना है, बी टू ए जाना है तो भैया आपकी जो वी बी माइनस बी ए निकाल रहे हैं तो ई डॉट एस बी ए नहीं, तो एस बी ए का डायरेक्शन क्या हो गया ये बी टू ए, वार्डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, और वार्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए। अच्छा तो क्या रहा है वैल्यू देखो, तो यहां पर एस बी टू ए, बी में नीचे लिया हूं ए ऊपर लिया हूं, ए बी का लेंथ दिया है 10 डिग्री, ये एंगल दिया है 60 डिग्री बी टू ए। अच्छा बी और ए के बीच में क्या एंगल हो गया? बी और ए के बीच में क्या हो गया? बी बी माइनस बी ए, तो ये B हो गया, E हो गया 20, BA का SBA का मैग्नीट्यूड कितना हो गया और दिया हुआ है 10 into cos of angle between them। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई एंड एस बी ए? 120 डिग्री। देखा 120 डिग्री। अब 120 डिग्री तो cos 120 का वैल्यू क्या होता है? +1/2 और -1/2। -1/2 हुआ तो 20 इंटू 10 इंटू -1/2 गिव्स यू कितना? -100 वोल्ट। कोई हड़बड़ी में 60 ले लिया, गड़बड़ कर दिया। क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर दो चार्जेस हैं, ये दिया गया है कि यहां पर दो चार्जेस हैं, एक है q दूसरा है q माइनस q, और ये है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बढ़िया, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। दिया है कि ये लेंथ है एल, ये लेंथ है एल, ये लेंथ है एल, ये लेंथ है एल। क्या बात समझ में आए?
इस पॉइंट को सी को। तो ये सारा जो लेंथ दिया गया है, ये सारे लेंथ लेंथ दिया गया, ये एल है, ये भी एल है, ठीक है, ये दोनों एल है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ढेर सारी चीज दिया गया है। ये लेंथ एल है, बी सी इज एल, ए बी इज एल, ठीक है, फाइन। बी ए माइनस बी बी along along the bisector, BA minus BB along the bisector, ये BA BB दो पॉइंट है, जीरो होगा। जल्दी जल्दी सोचो, जीरो जीरो। आदित्य ये 100% करेक्ट। देखो भाई ये Q है, ये माइनस Q है, ये अगर bisector है तो क्या ये डिस्टेंस जितना होगा ये डिस्टेंस उतना नहीं होगा? होगा। तो Q के लिए जितना पॉजिटिव पोटेंशियल, माइनस Q के लिए उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल, सो नेगेटिव पोटेंशियल, तो दोनों मिलके नेट पोटेंशियल A में हो गया जीरो और B में भी तो जीरो ही होगा। तो आप कहोगे आंसर में, कहोगे क्या कहोगे आंसर में, कहोगे कि हियर VA इज VV इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया? यस। सिमिलर क्वेश्चन देता हूं जो आपकी बोर्ड में आता है। दूसरा क्वेश्चन, हियर इज ए रिंग बट देयर इज ए चार्ज एट द सेंटर। पूछा है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, थोड़ा और भी बदल लेते हैं, ये बी है और ये सी है। पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन व्हिच टू पॉइंट्स इज मोर, ए बी में कि बी सी में कि ए सी में? जीरो जीरो, क्योंकि ये सेंटर में चार्ज रखा है। तो क्या आपको पता नहीं चल रहा है कि हर एक पॉइंट में पोटेंशियल बराबर होगा? यस। तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल बराबर है। बी ए माइनस बी बी भी जीरो है, बी बी माइनस बी सी भी जीरो है, बी ए माइनस बी सी भी जीरो है। तो आप कहोगे सेम सोल्यूशन में, क्या कहोगे आप? आप कहोगे सॉल्यूशन में, आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में कहोगे VA माइनस VB इस सेम एज VB माइनस VC इस सेम एज VA माइनस VC एंड दैट होल थिंग इज इक्वल टू जीरो। क्या बात समझ में आ रहा है? ये था पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका व्हेन यू आर टू फाइंड द पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ दिस पॉइंट चार्ज। और इसके पहले वाला क्या था? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा तो थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाने के लिए तैयार रहना। क्वेश्चन नंबर 10, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा थ्योरी को मैं एलाबोरेट करूं, थोड़ा मुश्किल लगेगा। हम पढ़े नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ता है, फॉर्मूला था E dot dl A to B, ऐसा था फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे? इसमें E क्या है? E इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। dl क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। रिमेंबर कोई एक कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dl को हमने, हम इसको कह सकते हैं कि दिस डिस्प्लेसमेंट dl हैज गॉट सम x कंपोनेंट एंड गॉट सम वाई कंपोनेंट। तो हम कह सकते हैं कि ये dx है और ये dy है। मतलब कोई dl वेक्टर को हम लिख सकते हैं dx i cap plus dy j cap। क्या बात समझ में आया? dl वेक्टर को अगर dx i cap dy j cap लिख सकते हैं, ये हुआ पहला चीज। दूसरा चीज, आपको डॉट प्रोडक्ट आता होगा। कोई वेक्टर ए है a1 i cap plus a2 j cap, कोई वेक्टर बी है
क्या है बी वन आई के प्लस बी टू जे के, क्या आपको याद है ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता था? क्या होता था ए डॉट बी का वैल्यू? ए टू बी प्लस ए टू ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू, ये होता था। अगर आपको ये समझ में आया, ये समझ में आया तो ये आप कर लोगे। लेट्स सी कैसे करेंगे, लेट्स टेक ए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शायद ये 9 गया 10। इन ए इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3x² आई कैप वोल्ट पर मीटर, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB वेयर A इज द पॉइंट 2, 3, बी इज 5, 1। ये दिया गया है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया गया है और आपको बताना है वेयर एंड कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर। ध्यान से देखना मैं किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूं, जिनको समझ में आ जाएगा, इससे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देने वाला हूं वो आप कर लोगे। क्या दिया है? दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो शायद हमारा काम बन जाता, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो हमारा काम बन जाता। अभी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे पता चला? क्योंकि जैसे एक्स का वैल्यू बदलेगा, ई का वैल्यू बदल रहा है, इट इज नॉट सेम एवरीवेयर। सॉल्यूशन के लिए हमें तो फॉर्मूला मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मुझे ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन इस इंटीग्रेशन से पहले मुझे ई डॉट डीएल निकालना पड़ेगा। चलिए ई डॉट डीएल निकालते हैं। ई डॉट डीएल, ई क्या, ये तो दिया 3x² आई के डॉट डीएल dx आई के dy j के, और फैलाना चाहो तो dz k के भी लिख सकते हो। अब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 3x² dx, और इसका y कंपोनेंट नहीं है तो ये हो गया 0। सिंपल सा चीज है। अब हमें निकालना है va माइनस bb। ध्यान रहे ad इज इंटीग्रेशन a टू b e डॉट dl, e डॉट dl का वैल्यू हम लिख चुके हैं, कितना 3x² dx a टू b। वी सी दैट वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं भैया, तो x का वेरिएशन देखेंगे कहां से, a से b तक। a में x का वैल्यू क्या था 2, b में x का वैल्यू क्या था 5, x एट a, x एट b, और सबको याद होगा कि x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये चीज सबको मालूम है, x पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस ए कॉन्स्टेंट। क्या हम अभी इसको कंप्लीट कर सकते हैं? यस। क्या लिखेंगे इसको, लिखेंगे ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3x टू दी पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 होता है, 3 3 को खा गया, और लिमिट क्या हो गया 2 2 5, सो इट इज x³ टू द लिमिट 2 2 5। पहले अपर लिमिट डालते हैं कि पहले लोअर लिमिट डालते हैं? अपर लिमिट, तो 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, कितना सिंपल। Now everyone can do it.
इट इज 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब और जवाब बन जा यस सो इट इज कमिंग आउट टू बी 5 क्यूब माइनस 2 क्यूब 125 माइनस 8 इज 117 वोल्ट. क्या बात समझ में आया? बढ़िया से समझ लो क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होने वाला है और आप खुद करोगे, मेरे को पूरा भरोसा है, तुम पर नहीं खुद पर. अच्छा समझाता हूं ना, तो चलो अगला क्वेश्चन करो. क्वेश्चन नंबर 11. फॉर E इज इक्वल टू 4x I कैप 6y J कैप फाइंड VA माइनस VB वेयर A इज 2.2 मीटर, ये मीटर में है, कमा 3 मीटर एंड B इज 4 मीटर कमा 1 मीटर. सीधे सीधे क्वेश्चन आपके सामने है. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, कैसे स्टार्ट करना है? आप क्वेश्चन लिख लो, गो बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन एंड डू इट. लुक एट द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर दिस टेस्ट. पहले मैं ई डॉट डीएल निकाल दिया, फिर मैं इंटीग्रेशन किया और देखा कि यहां पर एक्स वेरिएबल है तो एक्स का लिमिट डाला, वाई वेरिएबल होता तो वाई का लिमिट डालता. नाउ आई होप यू कैन डू इट, कर सकते हो पक्का इसको, डू इट नाउ, पक्का कर सकते हो. इसको देखो उसको करो, सिमिलर क्वेश्चन है. वेटिंग फॉर योर आंसर्स. पहले E डॉट डीएल निकालना है, कैसे निकालना है? डीएल मालूम है, डीएक्स आई कैप डीवाई जे कैप, E दिया हुआ है, E डॉट डीएल निकालो. मैं कर रहा हूं लेकिन जिनका नहीं हुआ इधर मत देखो, ट्राई करते रहो. सॉल्यूशन में हम लोग पहले निकाल दिए E डॉट डीएल, डोंट लुक एट दी बोर्ड, ट्राई बाय योर ओन. तो ये हो गया 4x आई कैप प्लस 6y जे कैप और डीएल, डीएल तो dx आई कैप dy जे कैप. हाँ बढ़िया, फाइंड इट इज कमिंग आउट टू 4x dx प्लस 6y dy. VA माइनस VB इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl फ्रॉम A टू B, तो दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6y dy. यू नो इट, A टू B था तो A एट x, B एट x, x एट A, x एट B, सिमिलरली y एट A, y एट B. हो गया ना काम? देखो कितना सर काम तो बन गया. सर इज द आंसर जीरो? सर जीरो मालूम, मालूम नहीं है. चलिए देखते हैं 4x dx, x का लिमिट क्या डालेंगे? a टू b, x एट a इज 2, y x एट b इज 4, बढ़िया है, y एट a इज 3, y एट b इज 1. इंटीग्रेशन करिए 4x का इंटीग्रेशन 4 इंटू एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 इज 2x स्क्वायर. बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा. 2x स्क्वायर लिमिट इज 2 टू 4 प्लस 6y, 6y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y 6 इंटू वाई टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 नीचे हो गया 2 और ये 6 में कट के हो गया 3, हो गया 3y स्क्वायर लिमिट फ्रॉम 3 टू 1. अपर लिमिट डालो तो 16 माइनस 16 इंटू 2 32 माइनस लोअर लिमिट डालो तो 8 सर 3y स्क्वायर, अपर लिमिट डालो तो 3 माइनस लोअर लिमिट डालो तो 27
how much it is coming out to be? This is coming out to be 24 and this is minus 24 and it is coming. Wow, ladke ne sahi nikal diya, zero. Badhiya. क्या मैं सबको समझा पा रहा हूं? कोई वैल्यू आता तो वैल्यू आता, बढ़िया। अब आपके लिए खुद से करने के लायक एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 4i k + 3j k वोल्ट पर मीटर इफ पोटेंशियल एट ए, कौन सा पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 2m, 5m, इज जीरो इज 20 वोल्ट, फाइंड पोटेंशियल एट बी, कोऑर्डिनेट दिया है 4.4 मीटर में है सब कुछ, 4m, 4m। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ए में पोटेंशियल दे दिया है 20 वोल्ट, पूछा है बताओ बी में पोटेंशियल क्या है? तो कोई भी बता सकता है, इतना सिंपल है, एवरीवन कैन टेल दिस, एवरीवन कैन टेल दिस। ए में पोटेंशियल दिया है, बी में पूछा है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अगर कैसे कैसे हम वी ए माइनस वी बी पता कर लेते हैं तो वी ए मालूम है, वी बी पता चल जाएगा। वी ए माइनस वी बी पता करना है ना, कोई एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट वी ए माइनस वी बी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप बताओ? वी ए माइनस वी बी, हाँ बोलो, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सर ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल का इंटीग्रेशन नहीं सर, बस ई डॉट डीएल, ई डॉट एस डिस्प्लेसमेंट, डीएल होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कोई एक्स वाई चीज नहीं है, आप इंटीग्रेशन करोगे तो सही आंसर आएगा, नहीं कि गलत हो जाएगा, करोगे तो सही होगा, लेकिन क्यों करोगे? नहीं, जो चीज आसानी से बन जाता है उसको करने के लिए मुश्किल वाली चीज क्या है? हाँ, तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ई डॉट, अब बताओ एस ए बी की एस बी ए, बी ए माइनस बी बी निकाल रहे हैं तो लिखेंगे एस ए बी, लेकिन एस ए बी है क्या? ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट, और आपको मालूम है कि अगर ये x2 y2 है जिसका नाम है b और ये a है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो क्या ab निकालना आपको आता है? वेक्टर इट इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, है कि नहीं? x2 माइनस x1 ab निकालने 4 माइनस 2 i कैप प्लस 4 माइनस 5 j कैप, which is coming out with 2i k minus j k, बढ़िया है। क्या वेक्टर का वाला फॉर्मूला आपको याद है? सर vb will be 20 minus 5 root 5, हाँ, ab क्या होता है? ab हो रहा है x2 minus x1 i k plus y2 minus y1 j k, जो लोग भूल चुके हैं, जिनको भूलने की बीमारी लग गई है उनके लिए, ए भी निकल गया, ए भी निकल गया तो डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया तो फिर हम कहेंगे कि वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा? ई तो दिया हुआ है 4i k + 3j k ... ये कितना आया 2i k - j k, डॉट पलट करेंगे तो होगा 4 × 2 + 3 × -1, 8 - 3 = 5 वोल्ट, VA - VB हो गया 5 वोल्ट,
पूछा है वीवी, तो वीवी कितना होगा? वीए माइनस 5, तो इट इज 20 माइनस 5 इज 15 वोल्ट। क्या बात, सही निकला। समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन तो है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हमें आ गया, चाहे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, समझ में आ गया। चलिए थोड़ा देखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में, ठीक है? लेट अस सी समथिंग अबाउट पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 13, थ्योरी क्या है? थ्योरी है सिंपल है, थ्योरी थ्योरी सिंपल क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज ऑल्सो गिवेन बाय माइनस डीवी बाय डीएक्स आई कैप। अगर नीचे डीवाई होता तो जे कैप लिखते, है ना? चले क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू 4x² - 24x वोल्ट्स। एक्स एक्सिस में पोटेंशियल अलग अलग जगह पे ऐसा है। फाइंड फोर्स ऑन ए -20 माइक्रोकूलम चार्ज केप्ट एट x इज इक्वल टू 2, ये दिया है। x इज इक्वल टू 2 मीटर में कोई -20 कूलम का चार्ज रखा है और उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है। दूसरा है फाइंड एट व्हिच पोजीशन एनी चार्ज कैन बी केप्ट एट रेस्ट। कौन सा पोजीशन पे कोई भी चार्ज को हम रेस्ट में रख सकते हैं? हाँ सर, फर्स्ट आंसर 120 न्यूटन। 120 आ रहा है, देखते हैं। वो आपको फोर्स पूछा है तो भैया आपको बताना पड़ेगा आई कैप जे कैप के कैप, जो भी मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, फोर्स वेक्टर पूछा है, तो यू हैव टू से इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप। एनीवे चले देखें क्या आ रहा है। सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। गिवन v इक्वल टू 4, हाँ कितना था ये 4x² था क्या? हाँ यस 4x² जस्ट अ मिनट और कुछ घूम गया। हाँ कौन सा पॉइंट में पूछा था? क्या हम e निकाल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं निकाल सकते हैं, हमें तो डिफरेंशिएशन आता है माइनस डीवी बाई डी एक्स आई के। और आपको मालूम है कि x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करो तो हो जाता है n x टू दी पावर n-1, ये सबको मालूम है। सो ये आ जाता है माइनस ऑफ 8x - 24 आई के। डिफरेंशिएशन सबको आता है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखे तो -8x + 24 आई के वोल्ट पर मीटर। पहला 8x = 2, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा -8 × 2 + 24 आई के, दैट इज 16, ये 24 हो गया 8, इट इज कमिंग आउट टू बी 8 आई के।
वोल्ट पर मीटर लिखो और न्यूटन पर कूलम लिखो, क्या फर्क पड़ता है, सब तो वही चीज है। कोई राकेश है तो घर में बंटी है, बंटी को बुलाओ, राकेश को बुलाओ, बात एक ही है ना। तो ये हो गया हमारा ई। फोर्स ऑन -20 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू एफ, फॉर्मूला है ई इंटू क्यू। ई तो है 8i के, क्यू हो गया -20 माइक्रो कूलम, तो ये हो गया -160 i के न्यूटन, -160 i के जो फोर्स आएगा इट विल बी अराउंड नेगेटिव एक्स एक्सिस। -160 × 10⁻⁶ नहीं होगा? हाँ माइक्रो न्यूटन है, इतना क्यों लिखेंगे, ये माइक्रो था ना, दूर से दिख नहीं रहा है, माइक्रो चीज दिखता है क्या, दूर से नहीं दिखता, इसलिए मैं मिस कर गया था। माइक्रो न्यूटन 10⁻⁶ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या दूसरा बिट का आंसर आप बता सकते हो, कहां पे कोई भी चार्ज को रखेंगे वो रेस्ट में रहेगा, कहां पे रेस्ट में रहेगा? i कैप मीटर। कितना, कहां पर? -3 i कैप मीटर। अरे नहीं, डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो, पोजीशन x = 3 माइनस होगा, नो सोचो कोई चार्ज को रेस्ट में रखना है भैया, तो वहां पे रेस्ट में रहने के लिए तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। फॉर चार्ज टू बी एट रेस्ट, चार्ज को रेस्ट में रखने के लिए फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले हैं -8x + 24 इज इक्वल टू जीरो, मतलब x इज इक्वल टू कहां 3 मीटर, x इज इक्वल टू 3 मीटर, यू कैन कीप द चार्ज एट रेस्ट। क्या बात, समझ में आया? यहां पे ये रेस्ट में रह सकता है, बढ़िया। क्या सबको समझ में आ रहा है? बढ़िया। ये कितना नंबर था, 13। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 14। कितनी वैरायटी के क्वेश्चन है, आई एम ट्राइंग टू कवर देम ऑल। क्वेश्चन नंबर 14, वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ई इज इक्वल टू -dv/dx। और हम जानते हैं कि कोई वाई वर्सेस एक्स डायग्राम में ऐसा कोई डायग्राम है, कोई पूछा कि स्लोप एट पॉइंट पी, तो हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ ए टेंजेंट। यस यस यस, ये बड़ा टेढ़ा टेंजेंट हो गया, इसको भगाओ। यस, मैं कोई पॉइंट लेता हूं यहां पे और मुझे पूछा गया व्हाट इज द स्लोप ऑफ पॉइंट पी, तो मैं इसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूंगा और tan थीटा निकाल दूंगा, दैट इज द स्लोप एट पॉइंट पी। और आपको ये भी मालूम है कि जो स्लोप होता है दैट कैन बी ऑल्सो अंडरस्टूड एज dy/dx। क्या मैं प्रीवियस क्लास में नहीं बताया था ये सब चीजें, ये स्लोप होता है dy/dx, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। तो कोई y वर्सेस x डायग्राम में स्लोप होता है dy/dx किसी भी पॉइंट में, y और x का रिलेशन दे दिया है कि y² = 4x, बताओ और बताओ व्हाट इज द स्लोप एट x = 2, तो आप dy/dx निकालो, x = 2 डालो, आपको मिल जाएगा स्लोप एट दैट पॉइंट। खैर हमें स्लोप नहीं निकालना, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी पढ़ रहे हैं। अब इससे दूसरा चीज हमारे सामने ये आ रहा है कि अगर मैं कहूं कि कोई y वर्सेस x डायग्राम दिखने में ऐसा है, कोई y वर्सेस x डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा है, जस्ट अ मिनट, के y वर्सेस x डायग्राम इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, एंड नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट व्हाट इज dy/dx हियर एंड हियर। क्या बता सकते हो व्हाट इज द स्लोप एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट में स्लोप क्या होगा और ये पॉइंट में स्लोप क्या होगा, ये वाई है, ये एक्स है, ये पॉइंट में स्लोप निकालना है ड्रॉ ए टेंजेंट, ये पॉइंट में स्लोप निकालना है ड्रॉ ए टेंजेंट, और ये टेंजेंट एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, जीरो।
मतलब यहाँ पे स्लोप जीरो है, यहाँ पे स्लोप जीरो है, तो मींस व्हेन y इज मैक्सिमम और मिनिमम द स्लोप इज जीरो, ये चीज हमको समझ में आता है। वी अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दिस पॉइंट्स, क्या ये चीजें समझ में आया? यस सर, यस यस यस, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आया तो इस चीज को लेके थोड़ा क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल अलोंग एक्स एक्सिस इज शोन। पोटेंशियल का वेरिएशन दिया हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस, थोड़ा ध्यान से देखना ये पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है। दिया गया है कि ऐसा है पोटेंशियल, ऐसे जा रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर जा रहा है, ऐसे करके इधर से जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। एंड ये सारे पॉइंट का लोकेशन दिया है, ये दिया है x is equal to, सपोज वैल्यू दिया हुआ है, ये x is equal to 3 है और यहाँ पर x is equal to 7 है, और सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कहीं x is equal to 11 है, 10, ये x है, ये b है, this is variation of potential, understood? ठीक है। और दिया है कि यहां पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट कितना दिया है, ये पॉइंट दिया हुआ है, इसको थोड़ा हटा के रखते हैं, जगह ले रहा है बहुत ज्यादा, ये पॉइंट दिया है x इज इक्वल टू 9, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू 9। फाइंड एट व्हिच लोकेशंस, फाइंड एट व्हिच लोकेशंस बीट नंबर 1 है, ए पॉजिटिव चार्ज कैन बी केप्ट एट रेस्ट, ऑल्सो फाइंड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। दो बीट दिया है, कहां कहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रह सकता है, एक्स का कौन कौन सा वैल्यू के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज रेस्ट में रह सकता है। मैं और भी कुछ पॉइंट दे देता हूं आपको, ये एक्स इज इक्वल टू 2 है ना, और मैं यहां पे और एक वैल्यू दे देता हूं आपको, ये एक्स इज इक्वल टू 6 है, कुछ भी है क्या फर्क पड़ता है, ये है x इज इक्वल टू 5 है, ऐसे करके दिया है ढेर सारे लोकेशन। पूछा है कहां कहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज को हम रेस्ट में रख सकते हैं, फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए और बोली, अब रेस्ट में रख सकते हैं तो इक्विलिब्रियम में होगा, कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल, ये भी बताना है। पॉजिटिव चार्ज कहां पे रेस्ट में रहेगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कहां पे रेस्ट में रहेगा, जहां पर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगा, जहां पर कोई फोर्स नहीं आएगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, अरे भैया हम तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डीवी बाई डीएक्स, व्हाट इज डीवी बाई डीएक्स, द स्लोप, तो स्लोप जहां पर जीरो होगा वहां पर ये रेस्ट में रहेगा। कहां कहां पर स्लोप जीरो है, जब वी मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है या फिर कॉन्स्टेंट है, भी अगर कॉन्स्टेंट हुआ तो डीवी बाई डीएक्स कितना होगा, जीरो। तो आप कहोगे दी पॉजिटिव चार्ज कैन बी केप्ट एट रेस्ट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, दैट इज डीवी बाई डीएक्स इज जीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 3,
x is equal to 7 and at every point beyond x is equal to 9, x is equal to 9 के इधर हर पॉइंट में रह सकता है क्योंकि हर जगह भी कांस्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आया? Yes. तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में लिखेंगे a पॉजिटिव चार्ज कैन बी किप्ट एट रेस्ट इफ f इज इक्वल टू जीरो, मतलब eq इज इक्वल टू जीरो, मतलब e इज इक्वल टू जीरो, मतलब dv by dx, e का मैग्नीट्यूड dv, अब बोलोगे सर माइनस dv by dx है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, dv by dx इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस स्लोप इज जीरो। जहां जहां पर स्लोप जीरो है वहां वहां पर ये रह सकता है रेस्ट में। बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। पहला पार्ट सबको समझ में आने लगा? नाउ यू लुक एट योर फिगर एंड टेल मी व्हाट आर दोस पॉइंट्स वेयर द चार्ज कैन बी केप्ट एट रेस्ट। क्या x इज इक्वल टू 2 में रह सकता है? नो, यहां पर तो स्लोप जीरो नहीं है। 3 में हाँ रह सकता है, मैक्सिमम है। 5 में ना नहीं रह सकता, 7 में हाँ रह सकता है, 9 या उससे उधर हाँ रह सकता है। तो आप कहोगे कहां पर? 8, सो 8 x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू दूसरा वाला क्या था? दूसरा वाला था 7 एंड x ग्रेटर देन 9, द चार्ज कैन बी एट रेस्ट। हाँ सर, वैसे 2 हाँ 3 है क्या? देखते हैं, ये 3 था क्या? नहीं, 7 था, सॉरी पहला वाला 3, पहला वाला 3 है, मैं गलती से 2 लिख दिया हूँ। एक्स इज भी मैक्सिमम है, एक्स इज इक्वल टू 3, ये जहाँ मैक्सिमम है कहाँ है? एक्स इज इक्वल टू 3 में, मिनिमम है 7 में, और ये कॉन्स्टेंट है तो 9 से उधर। हाँ, कितना आसान तो था, आसान तो था। लेकिन अगला पार्ट देखो, x इक्वल 3 में रेस्ट में रह सकता है? हाँ रह सकता है। क्या इक्विलिब्रियम है? हाँ इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल अनस्टेबल? x इक्वल 7 में स्टेबल अनस्टेबल, x इक्वल 9 में स्टेबल अनस्टेबल, सोचना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? कोई चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा धक्का मुक्का दो, अगर वापस आ जाता अपनी जगह तो हम कहेंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और थोड़ा सा धक्का मुक्का दो निकल के भाग गया वहां से तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और थोड़ा सा धक्का मुका दो ना वापस आया ना भाग गया, जहां छोड़ दिए वहीं लटक गया फिर से, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ये आप जानते हो। अब x इज इक्वल टू 3 में जब कोई चार्ज यहां पर रखा था, ये था उसका पोटेंशियल, थोड़ा डिस्प्लेस करके रखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा हम इसको सरका दिए इधर को। पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी क्या है किधर भागने के लिए? हायर पोटेंशियल की लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। आप जब इधर को भगा दिए x इक्वल टू 3 यहां पर ले आए, 3 से थोड़ा इधर ले आए, तो आप देखिए पॉजिटिव चार्ज के जो पोटेंशियल होगा ये होगा पोटेंशियल। अभी अगर वो इधर आएगा तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, उधर जाएगा तो पोटेंशियल घटेगा। वो किधर जाने की कोशिश करेगा? कौन है गधा आ जाता है, हाँ किधर जाने की कोशिश करेगा? लोअर पोटेंशियल। बात समझ में आया? तो x इक्वल टू 3 से थोड़ा इधर को सरका दिए, लोअर पोटेंशियल जाने की कोशिश करेगा तो भागेगा इधर, तो आपको होगी इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एट x इक्वल टू 3। जबकि x इक्वल टू 7 में थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा इसको इधर को सरका दिए, अब पोटेंशियल ये है, पॉजिटिव चार्ज यहां पे ले आए, अब दोनों तरफ देखेगा, देखेगा इधर को पोटेंशियल घट रहा है, उधर जाने से पोटेंशियल बढ़ रहा है, वो किधर भागेगा? इट टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, तो भाग के वापस आएगा, विल कम बैक टुवर्ड्स x इक्वल टू 7। सो x इक्वल टू 7 में जो चार्ज है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्या बात समझ में आ रहा है? नाउ थिंक ऑफ द चार्ज एट x इज इक्वल टू 10 और समवेयर हियर। ये चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, कहीं भी छोड़ दो उसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जहां छोड़ दो वहीं लटक जाएगा। सो दिस रीजन इज फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ में आया? वो आपको याद रखना पड़ेगा। आप कहोगे x इज इक्वल टू 3 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, x इज इक्वल टू 7
स्टेबल इक्विलिब्रियम और x ग्रेटर देन 9 इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल NEU होता है कि NU होता है ऐसा? न्यूट्रल NEU होता है। मेरा इंग्लिश पुअर, आप लोग करेक्शन करो, लिखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ में आया? इज द क्वेश्चन रियली अंडरस्टूड? मैं क्वेश्चन में अब छोटा सा एक बदलाव लाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग आंसर बताओगे। मैं क्या बदलाव करने वाला हूं? पूछा है पॉजिटिव चार्ज कैन बी केप्ट, मैं बोलता नेगेटिव चार्ज कैन बी केप्ट एट रेस्ट। पॉजिटिव चार्ज की जगह बोलता नेगेटिव चार्ज। तो पहले बताओ क्या ये जो आंसर लिखे बदलेगा उसमें? नहीं, नो सर, ये नहीं बदलने वाला। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वहां पे तो ये रहेगा रेस्ट में। लेकिन x इक्वल टू 3 विल बी अनस्टेबल और स्टेबल। सोचो x इक्वल टू 3 में हम नेगेटिव चार्ज रखे हैं तो ये पोटेंशियल मैक्सिमम है। जैसे थोड़ा सा सरका दिए अब उसका पोटेंशियल हो गया ये। अब नेगेटिव चार्ज बाएं दाएं देखेगा और देखेगा कि बाएं जाओ तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। नेगेटिव चार्ज का टेंडेंसी क्या है? फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो भागेगा ऊपर की तरफ। दैट मींस एट x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा वो? स्टेबल की अनस्टेबल? स्टेबल। x इक्वल टू 7 में अनस्टेबल और x इक्वल टू 9 में न्यूट्रल रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस, तो ये हो गई चीज। चलिए लिख लीजिए नेक्स्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 14, वो फॉर क्वेश्चन नंबर 15। हम लोग स्टिल बात कर रहे हैं E इक्वल टू माइनस dv बाई dx का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडिएंट, उसका रिलेटेड चीजें देख रहे हैं। चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पर कोई एक 9q चार्ज है और यहाँ पर कोई एक 4q चार्ज है और दिया कि दोनों के बीच में डिस्टेंस है समथिंग लाइक r। सपोज ये r दिया है और आप देख रहे हो कि ये दोनों पॉइंट के बीच में मैं पोटेंशियल की अगर वेरिएशन करूंगा। हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो KQ बाई R वाला फॉर्मूला होता है। मतलब चार्ज के एकदम नजदीक होगा तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल होगा, मतलब 9Q के एकदम क्लोज पोटेंशियल इज वेरी हाई। सिमिलरली 4Q के एकदम क्लोज पोटेंशियल इज वेरी हाई। बात समझ में आया? दोनों जगह पोटेंशियल वेरी हाई। अच्छा, अगर मैं वेरिएशन प्लॉट करने की कोशिश करूंगा पोटेंशियल का, बिफोर आई गो फॉर द क्वेश्चन में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये जो पोटेंशियल का वेरिएशन में प्लॉट करने वाला हूं, मैं देखूंगा कि अगर इधर पोटेंशियल है, इधर ये डिस्टेंस है, 9Q के पास पास वेरी हाई पोटेंशियल, फिर घटेगा 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 फिर बढ़ेगा और 4Q के पास पास फिर से वेरी हाई पोटेंशियल। आर यू गेटिंग? तो कहीं ना कहीं तो मिनिमम है। पूछा है कि बताओ यहां से कितना दूर पे पोटेंशियल इज मिनिमम, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द पोटेंशियल एट p इज मिनिमम। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग कर लोगे। पोटेंशियल कहां पे मिनिमम होता है? जहां पर आपका देखना है, जहां पर दोनों के लिए पोटेंशियल निकालना है। आई मीन क्लास वन इज कॉलिंग। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। मैं अभी क्लास में हूँ, 8:30 की बात फोन करो। फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स पोटेंशियल एट पी इज मिनिमम। हाँ, पोटेंशियल एट पी इज मिनिमम, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ एक्स डिस्टेंस में पोटेंशियल निकालेंगे, 9Q के लिए निकलेगा, 4Q के लिए निकलेगा, ओहो। फिर उसको मिनिमम करने के लिए एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, बड़ा लफड़ा। लेकिन जहां पर पोटेंशियल मिनिमम होगा, व्हेन वीपी इज मिनिमम, आप क्या कहते हो? डीवीपी बाई डीएक्स क्या है? जीरो। मतलब ईपी इज जीरो।
क्या बात, समझ में आया। पूछा है पोटेंशियल कहाँ पे मिनिमम है, जहां पर ईपी जीरो है। अब क्वेश्चन बदल गया, इट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इंटेंसिटी इज जीरो, है कि नहीं। अब ये सिंपल है, कितना वैल्यू ऑफ एक्स में इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा, तो इंटेंसिटी ये 9 q कूलम चार्ज के लिए कुछ इधर को होगा और 4 q कूलम चार्ज के लिए कुछ इधर को होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। ep इज जीरो मींस e ड्यू टू 9 q कूलम मॉट बी इक्वल टू e ड्यू टू 4 q कूलम बाय मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही है, बाय मैग्नीट्यूड दे मस्ट बी इक्वल, इन जनरल दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। 9 q के लिए क्या होगा, k 9 q बाय x स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है x का स्क्वायर। 4 q के लिए k 4 q बाय, ये डिस्टेंस कितना है r माइनस x का होल स्क्वायर। अब तो गया, हमने कैंसिल किया k q, क्या मिल गया, अब मिल गया 9 बाय x स्क्वायर प्लस 4 सॉरी इज इक्वल टू 4 बाय आर माइनस एक्स का स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट 3 बाय एक्स इज इक्वल टू 4 बाय आर माइनस एक्स, और यहां से एक्स का वैल्यू निकालो, आप कर सकते हो। क्या बात, समझ में आया। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस, मैं अब एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं जो आपकी बोर्ड में आने की लायक है, सीबीएसई वालों का। टुडे ओनली आई हैव रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द एजुकेशन मिनिस्ट्री, अगेन सीबीएसई इज प्रेसिंग अपन, बहुत कुछ प्रेस कर रहा है, ढंग से पढ़ो नहीं तो क्या होगा, आपका ठिकाना नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस विल नॉट बी डायरेक्टली फ्रॉम योर बुक, नॉट ऑन डेफिनेशन एंड एवरीथिंग, दे आर थ्रस्टिंग अपन द स्कूल्स एज वेल एज अपन द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन को आपको अपने दिमाग लगा के करना है। व्हाट इज पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू कूलम, सारा तो जानते हैं, कीजिए। हेंस फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस एक्स। क्या दिया है, दिया है कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट चार्ज है क्यू कूलम का, और इस क्यू कूलम चार्ज के लिए कुछ एक्स डिस्टेंस में आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछा है, आप सीधे सीधे बता दोगे। हेंस फाइंड आउट मींस यूजिंग दैट फॉर्मूला ट्राई टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, बात समझ में आया क्या। यूजिंग दैट फॉर्मूला यू टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नहीं पूछा कि निकालो पोटेंशियल कैसे हुआ, कितना है, व्हाट इज, तो आप कहोगे VP is KQ by X, EP कितना है, hence you find out EP, VP मालूम है, EP निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, माइनस DVP by DX, I get, है कि नहीं, differentiate and find out, so simple, आप जानते हो आंसर क्या है, X डिस्टेंस में KQ by X square होता है, that everyone knows, but hence find out, KQ by X दिया है और वहां से निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं। भी अगर है KQ by X, dV by dx क्या हो जाएगा, इट इज KQ, तो KQ रह गया, ये क्या था, इट वॉज नथिंग बट KQ इंटू x टू द पावर माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन एक्स टू दी पावर माइनस वन माइनस वन, इट इज माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, वैल्यू डालो
माइनस ऑफ माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर आई के विच इज के क्यू बाई एक्स स्क्वायर आई के, जो आप जानते हो, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या बात समझ में आया? दे विल ट्राई टू चेक वेदर यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई व्हेन द वेरिएशन ऑफ वी इज गिवन। क्या चीजें समझ में आ रहा है? ये समझ में आया कि नहीं आया? आया, अच्छा ठीक है। बड़ी दुख के साथ कुछ लोग बोल रहे हैं, समझ में तो आया सर, बड़ा तकलीफ हो रहा है। तो हम लोग देख लिए क्वेश्चंस ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट, और हम लोग देख लिए क्वेश्चंस ऑन फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस, और क्या देखे हम लोग, हाउ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंट पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए अगले चीज के लिए चलते हैं। थोड़ा सा थ्योरी, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस में दे दूंगा। Now let us see what is potential due to a charged conducting sphere. Potential, हाँ बोलो sir, can we do this topic in the other class sir? Why you are having some reservations now? No sir, it is too hot here sir. The fan is also not working due to power. अच्छा 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 ये बात है, पंखा भी नहीं चल रहा है। एटमोस्फेयर इज हॉट, फिजिक्स इज हॉटर, एंड यू आर मेंटली द हॉटेस्ट, सब मिलके यू हैव स्टार्टेड मेल्टिंग। ओके, आई डोंट माइंड, विल सी नेक्स्ट क्लास। लेकिन ढंग से पढ़ के आओ, मैं अगला क्वेश्चन सेट आपको शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।